दोस्त एक बार फिर से स्वागत है आपका प्रजापति न्यूज में। दोस्तों, छोटी सी गुलाबी रंग की इस ड्रिंक के बारे में आप लोगों ने बहुत सुना होगा। इसके बारे में कहा जाता है कि इस ड्रिंक को पीते ही बॉडी में एनर्जी का धमाका होता है और इंसान अपना सारा काम चुटकियों में कर लेता है। पर क्या ये बात सच है, और अगर हाँ तो स्ट्रिंग हमारी बॉडी में कैसे काम करती है, और सबसे बड़ा सवाल क्या इसे पीने से कोई साइड इफेक्ट होता है। आज के इस वीडियो में मैं यानी आपका दोस्त विशाल प्रजापति आपको आजकल तेजी से वायरल हो रही इस एनर्जी ड्रिंक का पूरा सच बताने वाला हूं, जिसे सुनकर आप हैरान हो जाएंगे। लेकिन हाँ, वीडियो शुरू करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। वीडियो के नीचे रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा होगा, उस पर क्लिक करके सब्सक्राइब कर लें, और साइड में बेल आइकॉन भी दिख रहा होगा, उस पर भी क्लिक कर लें ताकि आपको वीडियो मिले सबसे पहले। दोस्तों, एक दौर हुआ करता था जब कुश्ती करने वाले पहलवान से लेकर खिलाड़ियों तक हर कोई खुद को एनर्जेटिक रखने के लिए देसी घी, बादाम और अलग अलग ताकतवर चीजों का घोटा बनाकर उसका सेवन करते थे। लेकिन पहलवान जितना ज्यादा इन सारी चीजों को पीते थे, उतने ही ज्यादा फिजिकल एक्सरसाइज भी करते थे, जो आम आदमी के बस की बात नहीं है। इसलिए पहले के समय में लोग गुड़ खाकर पानी पीते थे, जिससे उन्हें एनर्जी मिलती थी। लेकिन आज के समय में एनर्जी पाने का फॉर्मूला पूरी तरह से बदल चुका है। लोग गुड़ खाकर पानी नहीं पीते, बल्कि अपने फ्रिज से एनर्जी ड्रिंक को निकालकर उसे पीना शुरू कर देते हैं। पर दोस्तों, ये जितने भी एनर्जी ड्रिंक्स होते हैं, ये वैसे तो हमें फायदा पहुंचाते हैं, क्योंकि इन्हें पीने से एनर्जी मिल जाती है। और वो कैसे मिलती है, ये हम आपको बताएंगे। पर यहाँ पर सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि लोग इसे पीते वक्त कुछ ऐसी गलतियां कर जाते हैं कि जिस एनर्जी ड्रिंक के फायदे के लिए पीते हैं, वही उन्हें नुकसान पहुंचाने लगती है। जी हाँ दोस्तों, हम बिल्कुल भी मजाक नहीं कर रहे। ये एनर्जी ड्रिंक वैसे तो अच्छी होती है, लेकिन जब इन्हें गलत तरीके से पिया जाता है तो ये जान का खतरा भी बन सकती है। अगर हम स्ट्रिंग एनर्जी ड्रिंक के बारे में बात करें तो दोस्तों, इसके अंदर कार्बोनेटेड वाटर, शुगर, कैफीन, टोरीन और विटामिन बी मौजूद होता है। अब कई लोग ये भी सोचते हैं कि इस तरह की एनर्जी ड्रिंक में अल्कोहल यानी कि शराब होती है, तो दोस्तों आपको बता दें, ये बात गलत है। स्ट्रिंग एनर्जी ड्रिंक में अल्कोहल बिल्कुल नहीं होता, लेकिन इसके बावजूद कैफीन और टोरिन दो ऐसी चीजें हैं जिनका इस्तेमाल करने से पहले इंसान को एक ना एक बार जरूर सोचना चाहिए। आज के समय में ज्यादातर लोग जब थकान महसूस करते हैं या स्ट्रेस फील करते हैं, तो थकान और टेंशन को दूर भगाने के लिए स्ट्रिंग जैसे एनर्जी ड्रिंक पी लेते हैं, और फिर कहा जाता है कि इसे पीने के बाद उनके अंदर इतनी एनर्जी आ जाती है कि वो खुद को हवा में उड़ता हुआ महसूस करते हैं। लेकिन क्या ये बात वाकई में सच है? क्या सच में स्ट्रिंग पीने के बाद इतनी एनर्जी मिलती है कि इंसान खुद को अलग ही दुनिया में महसूस करने लगता हो? तो दोस्तों, अगर सच बोले तो हाँ, ये बात सच है कि आप अगर पहली बार स्ट्रिंग का सेवन कर रहे हैं तो इसे पीने के बाद आपको अच्छा लगेगा, इतना अच्छा लगेगा कि आपका मन करेगा इसे और पिए। लेकिन जैसे जैसे आप इसे पीते जाएंगे, वैसे वैसे इसका असर कम होता जाएगा। और अगर आपने इसे ज्यादा मात्रा में पी लिया या फिर आप हर रोज इसका सेवन करने लगे, तो इसका असर केवल नाम मात्र रह जाएगा। क्योंकि दोस्तों, स्ट्रिंग या फिर जितनी भी एनर्जी ड्रिंक है, उन सभी के अंदर कैफीन होता है। कैफीन वही तत्व है जो चाय या कॉफी में पाया जाता है, और जब कैफीन हमारी बॉडी में जाता है तो हमारा दिमाग रिलैक्स हो जाता है, डोपामिन रिलीज होने लगता है। डोपामिन एक ऐसा केमिकल है जो हमें अच्छा महसूस कराता है। हम सोचते हैं कि सारी टेंशन दूर हो गई, आप कुछ समय के लिए बिल्कुल एनर्जेटिक महसूस करने लगते हैं, इसलिए ये एनर्जी ड्रिंक इतना ज्यादा बिकते हैं। लेकिन इसमें दिक्कत यह है कि आप जितना ज्यादा कैफीन लेते हैं, इसका असर उतना ही कम होता चला जाता है। यानी कि अगर आप हर रोज एक स्ट्रिंग पिएंगे और ये सोचेंगे आपको इतनी ताकत और एनर्जी मिले जितनी पहले बार स्ट्रिंग पीने पर आपको मिली थी, तो यहां पर आप गलत हो, क्योंकि आपकी बॉडी को धीरे धीरे उतना कैफीन लेने की आदत पड़ जाती है। इसलिए जो एनर्जी आपको पहले महसूस होती थी वो कम हो जाती है, और अगर आपको एनर्जी चाहिए तो उसके लिए आपको और ज्यादा कैफीन लेना पड़ेगा, यानी आपको ज्यादा एनर्जी ड्रिंक पीनी पड़ेगी। इसी वजह से लोग इसके आदी हो जाते हैं।
इसके अलावा स्ट्रिंग में जो टोरिन पड़ा होता है वो आपको जबरदस्त एनर्जी देता है, लेकिन इसका असर 2 से 3 घंटे के लिए होता है। उसके बाद इसका असर खत्म हो जाता है, और फिर जैसे असर खत्म होता है बॉडी की एनर्जी झटके से कम हो जाती है और आप फिर से थकान महसूस करने लगते हैं। अब यहाँ पर कई लोग सोचेंगे कि हमें स्ट्रिंग पीनी चाहिए या नहीं, तो दोस्तों आपको जरूर पीनी चाहिए। इस तरह की चीजें बनती है हमारे इस्तेमाल के लिए, लेकिन आपको खुद को इसका आदि नहीं बनाना चाहिए। अगर कभी भी ऐसा मौका आ जाए जहां आपको 2 से 3 घंटे के लिए एनर्जी चाहिए लेकिन आप थके हुए हैं, तो आप इस तरह के एनर्जी ड्रिंक का सेवन कर सकते हैं, या फिर पार्टी वगैरह में आप शराब न पीकर स्ट्रिंग पी सकते हैं, जिससे आपको कोई नुकसान भी नहीं होगा और आप पार्टी का मजा भी ले पाएंगे। लेकिन अगर आप इसे रेगुलर अपनी एनर्जी पाने के लिए इस्तेमाल करेंगे तो ये आपके लिए खतरनाक हो सकता है। यहां तक स्ट्रिंग से लेकर रेड बुल जैसी बड़ी बड़ी एनर्जी ड्रिंक वाली कंपनियों ने खुद ये कहा है कि एक इंसान को 2 बोतल से ज्यादा एनर्जी ड्रिंक नहीं पीनी चाहिए, क्योंकि इसके अंदर मौजूद कैफीन आपके दिमाग को डिस्टर्ब कर सकता है। असल में जब कैफीन हमारे दिमाग तक पहुंचता है तो न्यूरॉन्स को एक अलग ही झटका महसूस होता है और दिमाग में ऊर्जा का संचार होने लगता है, जिसकी वजह से नींद आना बंद हो जाती है। इसीलिए थोड़ी देर तक इंसान को नींद भी नहीं आती। ऐसे में अगर आप ज्यादा एनर्जी ड्रिंक का सेवन करने लगेंगे तो आपको नींद ना आने की समस्या हो जाएगी, और किसी भी इंसान का नींद ना लेना उसका सबसे बड़ा दुश्मन हो जाता है, क्योंकि नींद में ही हमारी बॉडी हील होती है, हमारी बीमारियां ठीक होती है। पर अगर इंसान नींद ही नहीं लेगा तो उसका शरीर आराम नहीं कर पाएगा और फिर कई तरह की बीमारियां उसे घेर लेंगी। और नींद ना आने पर अगर आप ज्यादा एनर्जी ड्रिंक का सेवन करते हैं तो हार्ट अटैक जैसी सिचुएशन भी आ सकती है। कई सारे ऐसे केस देखे गए हैं जहां लोगों ने ज्यादा एनर्जी ड्रिंक पी लिया और फिर उनकी मौत हो गई। इसलिए अगर आपको इस तरह की सिचुएशन से खुद को बचाना है तो एनर्जी ड्रिंक का सेवन कम से कम करें, और अगर आपको नेचुरल तौर पर एनर्जी चाहिए तो आप पुराना तरीका आजमा सकते हैं। काजू, बादाम, अखरोट जैसी चीजों को खाकर एनर्जी ले सकते हैं, या फिर गुड़ खाकर भी अपने आप को एनर्जेटिक महसूस करवा सकते हैं। ये नुस्खे भले ही धीरे धीरे काम करते हैं लेकिन आपके शरीर को अंदर से मजबूत बनाते हैं और आपको कोई नुकसान नहीं पहुंचाते। वैसे आप कौन सी एनर्जी ड्रिंक इस्तेमाल करते हो कमेंट में बताइए ना, और इसी तरह की वीडियोस को देखते रहने के लिए चैनल प्रजापति न्यूज को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और हाँ, हम फिर मिलेंगे नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। दोस्तों, आपकी स्क्रीन पे 2 और वीडियोस दिख रही हैं, जिसे देखने के लिए आप इस स्क्रीन पर क्लिक करें। दोनों देखिएगा, बहुत अच्छी वीडियो बनी है।